दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं FND का T200X जो कि एक स्पीकर सिस्टम है और ये 2.1 कंप्यूटर स्पीकर सिस्टम है जिसको हम आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स है और इसका प्राइस क्या है और इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। दोस्तों बॉक्स कुछ आपको इस तरह से मिलता है। देखिए इसमें आपको दिखाई देगा FND का ब्रांडिंग है, यहाँ पे लिखा है T200X वायरलेस 7001 PMPO, ऐसा कुछ लिखा है। नीचे लिखा है देखिए वायरलेस म्यूजिक ऑटोमेटिक मल्टी कलर LED प्ले इट ऑल, मतलब ये वायरलेस मतलब ब्लूटूथ से कनेक्ट हो सकता है। इसका जो सामने की तरफ LED है वो ऑटोमेटिकली चेंज होगा कलर और इसमें आप USB लगा के प्ले कर सकते हो या फिर FM भी प्ले कर सकते हो या फिर ब्लूटूथ, ऐसा कुछ लिखा है। इसको हम अगर रोटेट कर देते हैं तो साइड में देखिए आप यहाँ पे कुछ फीचर्स लिखा है, आपको पास लेकर हम दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि 2.1 कंप्यूटर मल्टीमीडिया स्पीकर, आउटपुट पावर RMS जो है 35 वाट प्लस 17.5 वाट इंटू 2, मतलब इसका जो सबवूफर है वो है 35 वाट का और जो दो स्पीकर है टोटल 35 वाट का। और इसका जो डायमेंशन कुछ लिखा है और वोल्टेज जो है वो 100 से 240 वोल्ट लेता है और मेड इन चाइना, ऐसा कुछ लिखा है। तो चलिए फटाफट इसका डब्बा ओपन करते हैं। दोस्तों पहला जो आपको मिलता है स्पीकर मिलता है, पहले इसको हम यहाँ पर रख देते हैं और बॉक्स के बाकी कंटेंट को नीचे कर देते हैं। ऐसे कुछ आपको स्पीकर मिलता है, स्पीकर जो है देखिए ऐसा आपको मिलता है। ये जो है 2 इंच करके 2 स्पीकर लगा हुआ है यहाँ पे। टोटल इसका जो आउटपुट है 17.5 वाट। वॉल माउंटिंग के लिए यहाँ पे जगह है, आप स्क्रू से अब लगा सकते हो दीवार पे। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा किया हुआ है, ये एक लॉक है जिससे आपकी जो स्टैंड है वो कनेक्ट करेंगे और 2 स्पीकर को जोड़ के एक साउंड बार बना सकते हो। इसको हम साउंड साइड में रख देते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑक्सिलरी केबल मिलता है, रिमोट मिलता है और वारंटी वगैरह समथिंग इन्फॉर्मेशन मिलता है। ये देखिए 2 स्टैंड है यहाँ पे जिससे आप कनेक्ट करके स्पीकर को रखेंगे। इसको साइड में कर देते हैं। यह है हमारा मेन ऊपर, इसको हम ओपन करते हैं। देखिए इसका नीचे है ऊपर स्पीकर। ये जो स्पीकर है 8 इंच का है और इसका जो आउटपुट है वो है 35 वाट, काफ़ी बड़ा है। पीछे देखिए आपको यहाँ पे FM के लिए FM की जो एंटेना है उसका वायर दिया गया है, पावर ऑन ऑफ बटन है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। यहाँ पे बेस और ट्रिबल कंट्रोल दिया गया है। आगे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ फंक्शंस की दिए गए हैं, जैसे कि पावर इनपुट सोर्स, ब्लूटूथ, नेक्स्ट, प्रीवियस और पॉज स्कैन। ये यहाँ पे आपको LED डिस्प्ले मिलता है, ये जो है मतलब कि प्लास्टिक का डेकोरेट किया गया है। मेन ऊपर आपके मतलब कि वुड का है और ये जो डेकोरेट किया गया है ये प्लास्टिक का है। प्लास्टिक के इसके बैकग्राउंड में आपको LED दिखाई देगा। साइड में देखिए यहाँ पे है USB पॉइंट और यहाँ पे एयर पासिंग का जगह है। तो चलिए इसका साउंड कैसा है देखते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे कि इसका साउंड का जो क्वालिटी है वो कैसा है। तो चलिए एक प्ले करते सॉन्ग।
दोस्तों आप लोगों ने सुना कि इसका क्वालिटी कैसा है। इसका जो बेस है वो बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि इसमें आपको 8 इंच का सबवूफर स्पीकर मिलता है। स्पीकर बहुत ही लाउड है बट इसका वोकल थोड़ा अलग है, मतलब कि इसका जो वोकल का जो क्लैरिटी है वो दूसरे के मुकाबले, मतलब कि वो जो मैंने पहले दिया था ना पैनासोनिक का, उसका वोकल थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। तो इसका बेस बहुत ही ज़्यादा है, इसको आप ले सकते हो आपके घर के लिए क्योंकि इसमें LED लाइटिंग है, स्पीकर भी ज़्यादा है, FM है। ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा होम थिएटर है इस प्राइस रेंज में। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो को आप मिस ना करें। तो दोस्तों आज यहीं तक, चलिए नमस्ते, हैव ए नाइस डे।